कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कई बार खुलेआम खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन में खड़े दिखे। पिछले 3 दिन यानी कि 72 घंटों में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों के बीच दरार और बढ़ चुकी है। पीएम ट्रूडो के बयान से लेकर भारत द्वारा कनाडा के नागरिकों की वीजा सेवा को निलंबित किए जाने तक आपको बताते हैं कि इस पूरे मैटर में क्या कुछ हुआ। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कनाडा से खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करती आई है, तो वहीं कनाडा के पीएम कई बार खुलेआम खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में खड़े दिखे। पिछले 3 दिन यानी कि 72 घंटे के बीच कई ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों के बीच फासला और ज़्यादा बढ़ गया। इसकी शुरुआत होती है इसी साल 18 जून से, जब खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सर्रे शहर में गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। इस हत्या को लेकर 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार के हाथ होने की बात कह दी। उन्होंने दावा किया कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या हरदीप सिंह की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। पीएम ट्रूडो के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत जवाबी प्रक्रिया दी। भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे आरोपों खालिस्तानियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने के लिए लगाए जा रहे हैं। इसके बाद बुधवार को भारत ने कनाडा को भारतीयों के लिए एक असुरक्षित देश के तौर पर चिन्हित किया और वहां रहने वाले या वहां की यात्रा की योजना बना रहे भारतीयों को पहले से ज़्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दी। गुरुवार को 2 बड़ी घटनाएं घटी। सबसे पहले कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो खालिस्तानी समर्थक अर्शदीप सिंह का करीबी माना जाता था। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। इसके बाद भारत ने कनाडा के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा तक निलंबित कर दी।